हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी, जो मैंने बैंक निफ्टी से रिलेटेड आपको प्रोवाइड की थी। वहाँ पे मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था। मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ, और उम्मीद है आपने उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठाया होगा। ये मैंने आपको समझाया था बैंक निफ्टी प्राइस चैनल एनालिसिस, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया था। किस किसने ये वीडियो देखी और आज अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी के साथ पैसा बनाया, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको समझाया क्या था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट में एक प्राइस चैनल क्रिएट हो रहा है, और अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला तो जो ये लो है, इस लो तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता था, इसमें जो हमारा पहला सपोर्ट होता था S1, और जो दूसरा ये पहला रेजिस्टेंस होता था जो R1। तो सपोर्ट वन से हम यहाँ पे R1 तक एक लाइन ड्रॉ करते थे, ये हमारा टारगेट हो जाता था। तो आपको इजीली यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुआ है, दूसरा उसके बाद भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि जब हमारा टारगेट अचीव हो गया तो हम आगे की अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करते। इसलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों को कंबाइन किया करो, सारी चीज़ों को, और ये आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ पे कंबाइन क्या करना था, ये तो आपको इसका तो ब्रेकडाउन मिल ही रहा था, यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा था। अगर मार्केट इससे नीचे जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 6th का हमारा डे लो है, 6th के डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाले स्ट्रेटजी भी आपको काम करती हुई दिखाई दे रही है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना था। तो यहाँ पे इसलिए आपको इसमें बने रहना था, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गई। फिलहाल हमारी कल की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, कल को आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, हमें फिर से अपना एक पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने आपको चार पैटर्न समझाए हुए हैं, ट्रेंगल से मिलके दो पैटर्न बनाए थे वो समझाए हुए हैं, और ये ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न बताए गए हैं, और पैरेलल लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न आपको बताए गए थे। अगर कोई नहीं जानता इन पैटर्न्स के बारे में, तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद आप जाके देख लेना। तो यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न नज़र आ रहा है, ये वाला पैटर्न नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी आप देखेंगे रेजिस्टेंस। नीचे आप देख रहे हैं सपोर्ट, ये देखो सपोर्ट, और ये भी सपोर्ट। अब जो मेन सवाल उठता है यहाँ पे, जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आपको मिलता है ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर मिलता है ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट तो मिल गया, इसका मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी कंफर्म है कि नहीं, ये हमें कल पता चलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है और वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। दो तरीके से ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है मार्केट, एक तो ऊपर जाता है, क्लोजिंग ऐसे दे देता है, तो इसे क्या मानेंगे, इसे रेजिस्टेंस ही मान के चलेंगे। दूसरा, ये आपको ब्रेकआउट हो जाता है लेकिन यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता और अचानक से फिर मार्केट अंदर ही आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई थी, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को मार्केट में फंसाने के लिए क्रिएट की गई थी। ऑपरेटर्स ये इस तरह का करते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट तो मिल रहा है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत ही बाइंग पोजीशन बना के बैठ जाए, या पोजीशन लेके हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर दे, सी परचेज करके बैठ जाए। इस तरह की सिचुएशन नहीं मार्केट में करनी होती, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। क्योंकि आपको ध्यान रखना होता है, भले ही आपको ब्रेकआउट मिल जाए, प्राइस सस्टेन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर आपको बायर्स का वॉल्यूम दिखाई देता है कल के दिन में, या पॉजिटिव मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिलता है, तभी आप सोच सकते हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए हैं यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे हम प्राइस एक्शन भी देखेंगे, प्राइस एक्शंस की मदद से नया रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है या फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे हम पिवट पॉइंट से नज़दीकी रेजिस्टेंस कौन सा है, फिर ऑप्शन चेन से भी देखेंगे। बेफिक्र रहो, हम सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे और डिटेल में इन सारी चीज़ों को समझेंगे। फिलहाल जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है, आपको इसे एक टैब में ओपन करके रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है,
या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है। इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, यह आप देखेंगे 35,400 पे, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब मैंने इस लेवल को क्यों चुना? अगर आप देखेंगे ये मैंने काफ़ी ऊपर जाके एक पर्टिकुलर लेवल चुना है क्योंकि मुझे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट के लिए पहला रेजिस्टेंस तो बनता है, ये 7th का डे हाई बनेगा, पर लेकिन मैंने इसे कंसिडर नहीं किया क्योंकि अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बना तो मार्केट डेफिनेटली इसका आपको ब्रेकआउट देता हुआ दिखेगा, और अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करते हुए दिखाई देगी। तो उसके बाद सीधा जो मुझे रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है 35,400 पे नज़र आ रहा है। अब ये क्यों चुना आप? 6th को देखेंगे, 6th को भी मार्केट ने यहीं पर एक मजबूत रजिस्टेंस दिखाया था, शुरुआती यहीं से रेजिस्टेंस की तरह की थी और यहाँ से गिरावट दिखाई, फिर मार्केट फिर से गया और इस जोन में लास्ट टाइम तक मार्केट बना रहा है एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में। इवन आप 2nd को भी देखेंगे, 2nd को एक मजबूत सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला था। 1st जून को देखेंगे, 1st जून को भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया था। 27 को देखेंगे आप, 27 को भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया था। आपको इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना था। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है फिर जो हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है ये 35,600 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इसके लिए आप 3rd पे जाएंगे, 3rd में पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया। 2nd को जाएंगे, 2nd को यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया। 1st जून को जाएंगे, 1st जून को मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद फिर यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया। इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बताया हुआ है सेम ही लेवल सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। क्योंकि मान लो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ब्रेकआउट मिल गया तो सपोर्ट बन गया, ब्रेकडाउन मिल गया फिर से रेजिस्टेंस बन गया, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। यहीं पर आप 31st को भी देखेंगे, 31st को भी हमें यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिला था। 27 को देखोगे, 27 को भी मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया था, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और इस पूरे एरिया में यानी कि जो ये जोन है इसमें साइडवेज मोमेंटम भी हमें यहाँ पे 27 को अपने लास्ट टाइम में मार्केट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है ये 34,600 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 26 को देखो, 26 को मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 25th को देखो, 25th को भी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 24th को देखो, 24th को भी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अब जो मैं प्राइस सस्टेन होने वाली बात आपको यहाँ पे बता रहा था, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन हम प्राइस सस्टेन देखेंगे, प्राइस सस्टेन हो नहीं पा रहा है कि नहीं। 25th को देखो, 25th को ये एक मजबूत क्या बना हुआ था, रेजिस्टेंस बना हुआ था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे इसके हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, आपको फिर से गिरावट देखने को मिली। तो इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये सिचुएशन नज़र आएगी। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है ये 34,400 पे आपको नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 26 को भी आप देखेंगे मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया है, 25th को देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, 24th को देखो पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने सपोर्ट दिया है, फिर से ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना है। ये तो प्राइस एक्शन की मदद से हो गई सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे ये 35,080 की है, वहीं निचले वाली लाइन की बात करेंगे 34,834 की है, जो कि आप देखेंगे 7th का लो भी है, यानी कि ये डे लो भी है। अगर मार्केट आपको इसी जोन में घूमता हुआ दिखाई दिया तो आपको मार्केट में कोई भी पोजिशन नहीं बनानी, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। लेकिन अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी रखना है अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे आपको डे लो का ब्रेकडाउन भी मिलेगा, 7th का डे लो, तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करते हुए दिखाई देगी। दोस्तों अब देख लेते हैं ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी में हमने लगाया हुआ है पिवट पॉइंट। अगर बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है
ये 35,133 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 35,270 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 35,403 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,684 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 34,552 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 34,419 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब एक नज़र हम ऑप्शन चैन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन चैन पे हमें कौन कौन से लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अब देखेंगे 9 जून की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सीधे आप देखेंगे 35,500 पे, जहाँ पे आपको 19.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया फिर आप देखेंगे 35,800 पे, जहाँ पे आपको 13.4 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 34,500 पे आप देखेंगे 18.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आप देखेंगे 34,000 पे, जहाँ पे आपको 16.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपके स्क्रीन पर भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैंडलस्टिक ये चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग और इंडिकेटर भी यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाते हैं। फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं चार्ट पैटर्न पे, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम आपको 13 एपिसोड प्रोवाइड करा चुके, अभी चार्ट पैटर्न से रिलेटेड हम कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।